ऑटो की बौछार हमारे सर्वेश मामा जी यानी ग्राम कसरहटा निवासी उनकी ओर से 11 रुपए हमारे इस भैया के लिए दे रहा है स्पेशल और 11 रुपए हमारे लिए बहुत। और कैदी बना के मुझको भैया यानी दावत दुनिया से और 51 रुपए हमारे भैया के लिए दे रहा है स्पेशल बात का धन्यवाद। भाई आ जाइए सामने और ये आ गए हमारे लल्लू भैया ग्राम गौती निवासी लल्लू महाजन यानी गौती निवासी उनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो श्रीमान सर्वेश मास्टर कर श्रेष्ठा साहब की तरफ से 11 रुपया रहा पार्टी हार्दिक स्वागत। और देखिए हेलो और हमारे साहब जी का यानी प्रशासन साहब भी आए हुए हैं और हमारे साहब जी का कहना है 11 रुपए दे रहे हैं। उनका कहना भैया अभी अभी हम लोग आए हुए हैं थोड़ा एक दो रिकॉर्डिंग डांस हो जाए तो महान दया होगी। कोई बात नहीं साहब थोड़ी देर बाद करा देंगे हो जाएगा इस सीन के बाद रिकॉर्डिंग हो जाएगी। चलता हूं दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र है। हेलो और आज काफी टाइम हो गई अभी तक मैं अपने मकान नहीं गया और अपने दोस्तों के साथ यू ही टाइम पास करता रहा। और ये आ गए रामू भैया यानी सब्जी सब्जी वाले प्रेम नगर उनकी ओर से 11 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलता हूँ पहले मैं अपने बाबूजी से मिलता हूँ फिर सोचता हूँ आगे कहाँ जाना है। हेलो आप है श्रीमान महेश मिस्त्री कसरहटा साहब की तरफ से 21 रुपए आ रहा है जिस भाई को ठेका देना हो महेश भाई से मिल संपर्क। राजू अरे भैया और भैया बढ़िया है बहुत पैसा चलिए यार। अरे मैं जाना तो पैसा का खेती ले आज बहुत खुश है। अरे खुश का न रंजो क्या हुआ कहाँ जा रहे हैं। अरे मैं जाना तो कहाँ स्कूल आज तू पढ़ने क्यों नहीं गया। अरे अरे यार अरे अरे मैं जाना था कितनी देर मैंने तेरा इंतजार किया। अरे जाना था पता है तेरे खातिर आज मैं मास्टर साहब से मार खाया हूँ। अरे सुन तू तू यहाँ टाल सुन ले यार मैं पढ़। हेलो आप है श्रीमान जसवंत भाई साहब की तरफ से 11 रुपए आप पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। मजाना तो आज का नहीं पड़ेगा भैया क्या क्या था जाना तो आज मजा तो महिला देखे महिला। हाँ महिला का है बे। अरे मैं जाऊँ खूब मिला रहा था मेहरिया मन बेवकूफ मेला कहते हैं। हाँ वही जाता हूँ आज कहाँ लगा है ये मेला। अरे आज मेला जाना तो हमारे टेलर भैया का सरहेंडा में लगाए हैं। राजू मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसा नहीं है तेरे पास है। हाँ मोर अरे रुक रुक यार सतु जेब तक था थो इतना है बोलना। अरे मेरे पास बहुत दिक्कतता रुपया ले तू मेरा दोस्त है ना। हाँ देख मैं टिफिन लेके जाता हूँ तो बिना तेरे नहीं खाता हूँ। हाँ ये बात तो सही है। और जब आज तू मेला जाएगा तो क्या मुझे छोड़ के जाएगा। अरे यार मैं कहाँ तो का छोड़ के जा तो ये पैसा है ना। हाँ इसमें से आधा पैसा मुझे दे दे तू भी मेला देख लेगा और मैं भी।
ये ना तो कहते हो क्यों ये ऐसा ना दे हो फिर मैं तेरा वैसा जितना लूंगा ना तुझे बाबूजी से लेके कोई बहाना ढूंढ के जब पाऊंगा तो तुझे वापस कर दूंगा। नहीं नहीं ए तो रह दे यार, तो ऐसा कर मैं तो का एक रुपया एक कौड़ी ना दे हो, तो ऐसा कर अपने बाबूजी से पहले पैसा ले आ, फिर ओके बाद मेला देखे जाए समझे। राजू मेरे बाबूजी बहुत गरीब है, ये वस्तु को देख के तू ये मत सोच कि बहुत पैसा होगा, ये तो स्कूली वस्त्र है, जैसे इतना गरीब हो उसे तो लेना ही पड़ेगा। अगर मैं बाबूजी से मेला देखने के लिए पैसे मांगूंगा तो बहुत नाराज हो जाएगी। भैया मैं यार एक रुपया ना दो, मैं मुश्किल से खोदे, मैं अपने महतारी बाप से 50 रुपया लाए हूँ। राजू इतने समय 10 रुपया का खुदे झांट मिला था, जब, जब, क्या मिलता है बेवकूफ, उसे चाट कहते हैं। हाँ वही चाट, तो तू मुझे पैसे नहीं देगा? मैं 1 रुपया ना दे, तू मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं? देख मैं तो का छोड़ के ना जाई हूँ, मैं आगे रोका हूँ अपने बाबूजी से पैसा लाके फौरना, अगर तो 5 मिनट में 10 मिनट में आ तो आए, नहीं तो मैं भैया तक चला जाना। नहीं तू मेरा दोस्त ना, तू चल मैं आता हूँ। हाँ ठीक आज चलता हूँ, बाबूजी से कोई बहाना करके 100 रुपया लेता हूँ। हेलो, और फिर मेले जाके एंजॉय करता हूँ। हेलो आफे श्रीमान रामू भैया सब्जी वाले प्रेम नगर, उनकी तरफ से 1 रुपया पार्टी हार्दिक स्वागत करती हूँ। अरे बाबू जी के अरे चरणों में अरे लाल से, उनकी ओर से फिर 11 रुपया रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जुग जुग लाल बेटा, मैं आपके पास आया हूँ। किस लिए? आपसे सिर्फ एक ख्वाहिश मिली। क्या बात है? अगर मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बेटा अगर बुरा वाली बात है तो बुरा मानूंगा, अगर अच्छी बात है तो अच्छा मानूंगा। कह दूँ? बिल्कुल। अरे मुझे प्यासा दीजिएगा,
तीजा जानी सौ रुपए तू मांग रहा है और तुझे मालूम नहीं आज कई दिन हो गया हमारे घर में थोड़ा भी राशन नहीं है और तुम्हारे खाने के लिए मैं कहीं से मंगा कर लाता हूँ तो दोनों भाई को खिलाता हूँ लेकिन क्या करेगा पैसा मैं खाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ। हाँ किस लिए मांग रहा है? आप पढ़ाते हैं? हाँ तो कॉपी किताब घटती रहती है, मेरे पास दो कॉपी और एक किताब पढ़ने के लिए नहीं है। बेटा अभी तो तीन दिन हो गया 100 रुपए की कॉपी किताब लाया है और आज फिर मांग रहा है। तो आज मांग रहा हूं क्यों? क्यों यार कॉपियां किताब नहीं लगती है? आखिर मैं किस पे लिखूंगा और क्या? वो तो मैं जानता हूं। अरे यार चलो राजू क्या बात है इधर क्या बात है? अरे बात तो नहीं, नहीं कुछ तो है राजू। तू किस लिए आया यहाँ? मेरे बच्चे को बिगाड़ने के लिए? नहीं बिगाड़ा तो ना वहाँ। फिर क्या बात है? बात दरअसल ऐसी है। क्या है बात ऐसी राजू? बोल नहीं मेरे गुस्सा। अरे अरे फिर क्या है? अरे बात ऐसी है गोली या खेलने का है? नहीं इस समय गोली खेलने का मौका नहीं है। तू चल मैं आ रहा हूं। चल ए राजू आखिर बात क्या है? अरे बात ऐसी है। क्या है? आज मेला लगा हुआ है तो मैं मेला देख जाता रहा तो ही भैया मिल के कहां जाता मैं कहा मेला देख तो कहा महू चली हूं। समझ गया सारी बात तेरी। तू ही मेरे बेटे को बर्बाद कर रहा है और तू ही कहा होगा इसे मेला देखने के लिए। मैं इसे पैसा मेला देखने के लिए नहीं दूंगा। बाबूजी जितेंद्र अगर राजू ने आपसे बता ही दिया है हाँ तो हाँ मुझे मेला देखने के लिए पैसे चाहिए। नहीं दूंगा बेटा मेला देखने के लिए नहीं दूंगा। बाबूजी अगर अभी अमृत मांगता 10 तो उसे 20 मिल जाता है और आज आज मैंने सिर्फ आपसे 100 रुपया मांगा है। वो भी सब मेरे दोस्त मेला जा रहे हैं मैं भी जाना चाहता हूँ तो आप साफ लफ्जों में इनकार कर रहे हैं? नहीं नहीं दूंगा। अमृत की बात है अमृत तुझसे छोटा है और तू समझदार है। बाबूजी कोशिश कर बेटा कितने मेहनत से मैंने तुझे और तेरे भाई छोटे को पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको आपको हमारी ख्वाहिश और हमारे तमन्ना नहीं पूरा करना तो क्यों पढ़ाते हो? बंद कर दो हमारी पढ़ाई बेटा। के बाद हम पढ़ने नहीं जाएंगे। नहीं तो अरे वो बेटा नहीं जो माँ बाप का कहा न माने मेला देखने के लिए तुझे पैसा नहीं दूंगा। अरे समझ बात को कितने मेहनत से मैं तुझे पढ़ाया हूँ और आज तेरे दिल का अरमान तूने मिटा करके रख दिया और दिल का अरमान मेरे हरम जदे और दिल का अरमान मेरे और मिला खाक में। माँ बाप का कहा न माने औलाद नहीं है। अरे छोड़ करके मकाम में चला जाऊंगा छोड़ करके।
जी, हाँ, 800 रुपए के कारण तुमने अपने बेटे चेतन के ऊपर हाथ उठा दिया। हाथ उठाया हो तूने एक मेरे, जो मैंने कहा उसको माना नहीं है। बाबूजी, आज के बाद इस मकान को छोड़ के तुम्हारा बेटा चेतन जा रहा है। ये जीता है जिस दिन लौटेगा, जिस दिन अपने पैरों से खड़ा हो जाएगा। अरे जा। लेकिन बाबूजी, चलते समय हर माँ बाप अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं। चलते समय एक दफे अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए। और चला दिखी दुनिया, बाबूजी सिर्फ ये। और चला दिखी दुनिया हो, और चलत की दुनिया बाबू छुए चलनिया। बेटा है, मैं तुझे नहीं समझूंगा। अरे वो बेटा नहीं जो माँ बाप का कहा ना माने। मैंने कितने दुखों से इसे पाला हूं। चलता हूं, इस बात को इसके माँ से बताता हूं। हाँ, और लीजिएगा दोस्तों, हमारे साहब का कहना था कि रिकॉर्डिंग डांस करवा दीजिए। लीजिए रिकॉर्डिंग डांस, दो रिकॉर्डिंग डांस, उसके बाद फिर तमाशा। और देखिए, आप लोग बुरा नहीं मानना, हमारे प्रशासन साहब जी का कहना है कि भैया अभी हम लोग आए हुए हैं तो हमारा फरमाइश ख्वाहिश है कि तो डीजे डांस हो जाए। तो आइए छोटी रानी जी, अब डीजे हो जाए। और अकाट भैया और कल्लू भैया से गुजारिश है कि आप लोग डीजे लगाएं। चलो आप लोगों के सामने